of debentures. In our last videos, we finish our part provisions for issue of debentures as per Companies Act 2013 and rules 2014. हम देख रहे हैं अलग अलग conditions, regulations जो debentures issue करने के लिए company को fulfill करनी रहती है. और इस वीडियो में हम देखेंगे requirements as per SEBI for issue of debentures, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. नाउ फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सी सेबी रेगुलेशंस 2008 रेगुलेशन 12 स्टेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड बाय अ कंपनी. यानी कम से कम उतना शेयर्स तो सेल, उतना डिबेंचर तो सेल होना ही चाहिए. जितना टाइम बोला है उतने टाइम में कम से कम इतना डिबेंचर बिक जाना चाहिए. मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी क्या, मिनिमम शेयर्स टू बी सोल्ड बाय द कंपनी टू द पब्लिक. एंड एज पर सेबी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर इज 75% ऑफ बेस इश्यू साइज. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी इश्यू करना चाहती है डिबेंचर रुपीज टेन लैख के कंपनी को डिबेंचर इश्यू करने हैं, तो कम से कम उसका 75% कितना हुआ 10 लाख का, तो 7,50,000. तो कम से कम इतना सब्सक्राइब होना ही चाहिए, इतना कम से कम कंपनी ने डिबेंचर सेल करना ही चाहिए. और अगर ये इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ सेल, इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, तो क्या करना है, देन द एंटायर मनी शुड बी रिफंडेड. जितना पैसा कलेक्ट हुआ है उतना वापस दे देना है, जिनसे कलेक्ट किया है जो डिबेंचर होल्डर से, उनको वापस रिफंड कर देना है विद इन 12 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इश्यू. यानी जो डिबेंचर इश्यू करने की लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट है उस डेट से कम 12 दिनों में, विद इन 12 डेज जो पैसा है वो वापस रिफंड कर देना है. कब रिफंड करना है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो. नाउ सेकंड रिक्वायरमेंट हम क्या देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स एज पर सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर. फर्स्ट पॉइंट क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कब कितना होना चाहिए, 75% ऑफ द बेस इश्यू साइज. अगर नहीं हुआ मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो क्या कर देना है, एंटायर मनी रिफंड कर देना है विद इन 12 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इश्यू. सेकेंड पॉइंट, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. रिटेंशन का मतलब क्या है, टू कीप, उसी के पास रखना है. तो कंपनी रिटेन करेगी, क्या रिटेन करना है और क्यों रिटेन करना है, कब कर सकती है, तो कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ द बेस इश्यू साइज. यानी अगर कंपनी फॉर एग्जांपल 10 लाख का डिबेंचर इश्यू करना चाहती है, और अगर कंपनी को 10 लाख से ज्यादा डिबेंचर सब्सक्राइब किए, 100% ऑफ द बेस इश्यू साइज, कंपनी उतना पैसा क्या कर सकती है, रख सकती है खुद के पास, रिटेन कर सकती है. और ये किस में स्पेसिफाई किया होना चाहिए, तो प्रोस्पेक्टस में, लेटर ऑफ ऑफर में. नाउ थर्ड पॉइंट इन रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग. ये वर्ड पहले भी हमने देखा है, अंडर राइटर. अंडर राइटर यानी क्या, अंडर राइटर इज अ पर्सन हु परचेज रिमेनिंग डिबेंचर, हियर इन दिस केस डिबेंचर, व्हेन कंपनी इज नॉट एबल टू सेल. यानी कंपनी क्या करता है, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट करता है अंडर राइटर्स के साथ. इफ कंपनी वॉन्ट्स टू गो फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंपनी एंटर इन टू एन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विथ अंडर राइटर. और अंडर राइटर क्या करते हैं, अगर उतना डिबेंचर नहीं सेल हुआ तो वो लोग क्या करते हैं, गारंटी देते कि हम लोग वो परचेस कर देंगे. एंड दिस अंडर राइटर्स कैन बी अ बैंक, LIC और एनी बिग कंपनी, जो कंपनी के बचे हुए डिबेंचर्स क्या कर लेगी, परचेस कर लेगी.
और ये जो भी अंडररैटर्स कंपनी अपॉइंट करती है वो कंपनी किस में मेंशन करती है, अपने प्रॉस्पेक्टस में, अपने लेटर ऑफ ऑफर में जो कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि ये डिबेंचर हमें सेल करना है, तो जो प्रॉस्पेक्टस रहता है उसमें कंपनी ये मेंशन करती है। और उसका क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जो भी डिबेंचर परचेज करना चाहता है वो देखेगा अरे हाँ इसमें अंडरराइटर्स है, इतनी बड़ी कंपनी, इतने LIC, इतनी बड़ी कंपनी है कोई भी, या बैंक है, ये अंडरराइटर्स है यहाँ पे, तो उनको ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गारंटी मिलती है, तो वो बिना झिझक डिबेंचर परचेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग, नाउ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक इश्यू मस्ट ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम होम, फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज व्हेन कंपनी वांट्स टू इश्यू डिबेंचर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रेडिट रेटिंग यानी क्या, लाइक सपोज आई हैव टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक, ओके, एंड इफ आई एम गिविंग दैट बैंक्स EMI, टाइमली EMI आई एम गिविंग, एंड फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years मैं वो EMI टाइम पे दे रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट रेटिंग क्या बोला जाएगा, गुड है, अच्छा है। तो वैसे ही कंपनी का भी क्या रहता है, क्रेडिट रेटिंग रहता है कि कंपनी टाइम पे पैसा रिटर्न देती है या नहीं देती है। तो अभी ये क्रेडिट रेटिंग कौन देगा कंपनी को, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रहती है, वो क्या करेगी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग देगी। तो कंपनी क्या करेगा, उसका क्रेडिट रेटिंग लेगा किसके पास से, एजेंसीज के पास से, और वो क्रेडिट रेटिंग किस में एंटर करेगा, प्रॉस्पेक्टस में। और अगर वो क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पब्लिक विल बाय इट्स डिबेंचर्स, एंड एज पर सेबी कंपनीज मेकिंग अ पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मस्ट ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। बहुत से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है लाइक क्रिसिल, केयर, तो यहाँ पे कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास से कंपनी अपना रेटिंग ले सकता है, और वो रेटिंग किस में मेंशन करना है, प्रॉस्पेक्टस में। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिसिल का है रेटिंग, तो CRISIL क्रिसिल ट्रिपल है, ए है, तो वो क्या है, हायर सेफ्टी है, डबल है तो हाई सेफ्टी है, क्रिसिल बी है तो क्या है, हाई रिस्क है, क्रिसिल सी है तो वेरी हाई रिस्क है, तो इस तरह से वो क्या रहेगा, रेटिंग रहेगा। और ऑब्वियसली अगर रेटिंग अच्छा है तो कोई भी कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस में वो क्या करेगी, मेंशन करेगी। तो ये हो गए, हमने क्या कंप्लीट किया आज, रिक्वायरमेंट्स एज पर सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल फिनिश प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स।